अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हसन फारूक। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सो गाइस, ये प्लम हेड का पेयर एक न्यू ऐड किया है मैंने अपने सेटअप में। इसके साथ जो फीमेल है ये मेरे पास लमसम कोई 4 से 5 ईयर ओल्ड है। ये मैंने पट्टी ही पेट शॉप से बाई की थी और बाकी 1.5 साल के अंदर अंदर तो ये रेडी टू ब्रीड हो गई थी। लेकिन इसके साथ जो मेल था, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें पुरानी बहुत ज़्यादा जो है, तो उनमें आप देखेंगे ये पेयर हुई थी उस मेल के साथ जो इसके साथ ही मैंने बाय किया था। प्रॉपर फीड हो रहे थे लेकिन ये मेल जो है मेटिंग नहीं करता था इसके साथ। सो इसके साथ फिर मुझे फाइनली ना चाहते हुए मुझे वो मेल चेंज करना पड़ा और पेट शॉप से मैं एक न्यू मेल लेके आया लास्ट ईयर। लेकिन उसको भी इसने एक्सेप्ट नहीं किया और फाइनली दिस ईयर इस सीज़न में मैंने अगेन से एक न्यू मेल लेके आया जो पेट शॉप वाले भाई ने मुझे कहा था कि वो फीमेल्स को फीड करवा रहा है, तो ये आई गेस के बेस्ट होगा आपके जो प्रोजेक्ट्स के लिए। सो ये मेल मैं ले आया और अब अल्हम्दुलिल्लाह से फीड होते तो मैं देख चुका हूँ इसको और लेट्स सी क्रॉस करता है कि नहीं, क्योंकि वाइल्ड कॉट फ्रेश फ्रेश है ये ऑलमोस्ट, तो यू नो के सेट होने में कुछ टाइम लगता है। मे बी इस सीज़न ब्रीड ना कर पाए, लेकिन फीमेल टोटली रेडी टू ब्रीड है, बॉक्स में टाइम स्पेंड कर रही है और जो है उसमें अपना जो है वुड शेव को क्रश कर रही है, उसको प्रॉपरली ना पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर रही होती हैं। तो देखते हैं जो एग्स आते हैं वो फर्टाइल आते हैं कि नहीं। अगर इन केस फर्टाइल नहीं होते तो फिर ये है कि फिर जो मेरा दूसरे वाला पेयर है जो कि कुछ दिनों तक अंडे दे देगा और उसके एग्स को मैं इसके एग्स के साथ स्विच कर दूँगा। और ये फीमेल वैसे भी ट्रेंड है क्योंकि 2 साल पहले मैंने इससे ग्रीन रिंग नेक पैरट के एक बच्चे को पलवाया था। इसने प्रॉपरली एक को हैच किया था और उसको प्रॉपरली फीड भी करवाया था। तो इन शॉर्ट कि शी इज़ वेल ट्रेंड ऑलरेडी। तो बाकी इस दफ़ा क्या होता है, कोई अपडेट आती है तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।